सारे कवर कर लिए थे हमने, ये टेक्स्ट टूल भी देख लिया और फ्री हैंड टूल और ये वाले सारे इसके जूम इन जूम आउट करने के तरीके, ये वो इसके ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़, ये सब कुछ हो गया। लेयर्स आज देख लेते हैं और कुछ इसके बिट मैप वगैरह अफेक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे हमने क्या किया है कि अगर मैं यहाँ पे फाइल प्लेस करवाता हूँ, जैसे यहाँ पे वहाँ पे प्लेस होता है, यहाँ पे इंपोर्ट होता है, इसमें क्या होगा कि जो भी फाइल आएगी वो ऐसे ही नहीं आ जाती। जैसे ये वाली फाइल है, इसको अगर हम इम्पोर्ट करते हैं तो वो डायरेक्टली नहीं आती, ये एक इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। इस ऑप्शन में ये है कि जितना आप क्लिक ड्रैग करेंगे तो तस्वीर उतनी ही आएगी, ठीक है। अगर हमने जो है वो खाली क्लिक कर दिया तो वो पूरी फाइल आ जाएगी अपने साइज की, ठीक है। जूम इन, ये पैन हो गया, ठीक है। इसके बाद अब इसके अफेक्ट्स में आ रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे बिट मैप पे आते हैं, जैसे इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बिट मैप और एक होता है अफेक्ट। तो बिट मैप में क्या होगा, जितने भी अफेक्ट्स होंगे वो क्या होगा कि तस्वीर पे काम करेंगे, ठीक। इलस्ट्रेटर में तो ऐसा कुछ नहीं होता था, इलस्ट्रेटर में तो ऐसे होते थे कि जो है वो आपने जो इलस्ट्रेटर में बनाई हुई चीज़ें वो उस पर अप्लाई होता है। इसमें क्या है कि आप तस्वीर पर भी काम कर सकते हैं। बिट मैप में आएंगे, बिट मैप में आने के बाद 3D इफेक्ट, और 3D इफेक्ट में डायरेक्टली मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, पेज कर्ल पे। पेज कर्ल पे क्लिक किया, इससे क्या हुआ, पेज टर्न हो गया। यहाँ से पेज टर्न नहीं करवाना, यहाँ से कर लें, ठीक है। इस तरफ से हो जाएगा या इस तरफ से हो जाएगा। बाकी इसका क्या हो सकता है कि इसकी विड्थ और हाइट बढ़ा सकते हैं आप, कलर चेंज हो सकता है, इसके अलावा जो है वो इसकी हाइट चेंज हो सकती है, कितनी हाइट रखेंगे वो सब एडजस्ट होने के बाद जब इसको ओके करेंगे तो फाइनलाइज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। बिट मैप में ही फिर मज़ीद आगे देखते हैं, जैसे 3D रोटेट है, 3D रोटेट में क्या होगा, वैसे ही जैसे जिस एक्सिस में आप इसको रखेंगे उस एक्सिस में ये रोटेट हो जाएगा। बाकी इसमें कोई ख़ास मज़ेदार नहीं है, जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको स्फीयर करूँ तो ये क्या होगा, ये इस तरह का स्फेराइज हो जाएगा, ठीक है। या जो है वो इसी तरह मज़ीद और ऑप्शन है, जैसे इम्बोज है, इम्बोज में क्या होगा, ये इस तरह का लुक आ जाएगा, सीमेंटेड लुक आ जाएगा। जैसे क्या चीज़ है, हाँ फोटोशॉप। अच्छा, इसके बाद जो है वो आर्ट में जो है वो ऑप्शन भी फोटोशॉप वाले ही हैं, जैसे चारकोल, ये इमेज चारकोल की टाइप की हो जाएगी, ठीक। एक आध तस्वीर और इंपोर्ट कर लें ताकि तस्वीर के हिसाब से भी इम्पैक्ट पड़ता है उसका। इस पे अफेक्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाएगा ज़ाहिर है। फिर साइज़ वगैरह, इसके ज़ाहिर है कि सेटिंग्स हैं कि किस सेटिंग पे आप रखते हैं इसको, किस तरह का लुक बनेगा। तो जो दो मेन मेन इसके ऑप्शंस हैं वो देख लीजिए। चारकोल के बाद क्रेयॉन्स हैं, पेस्टल्स कलर हैं, वाटर कलर हैं,
साइज भी टाइम लगेगा उसको अपडेट होने में। तो ये 8 स्ट्रोक आँखों से ट्राई करके देख लीजिए, बस मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे एक मैंने क्लिक किया, बस क्लिक करने के बाद ये आपको ऐसे ही नज़र आ जाएगी। अब इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, जैसे क्रॉस हैच है या स्ट्रिपिंग है, तो इसमें दो तरीक़ों से आपको पेन एंड इंक में ये शो हो रहा है, बाकी जो है इसकी सेटिंग्स है यहाँ पे, डेंसिटी और इंक। ब्लर सिंपल है, गॉशियन ब्लर, जूम ब्लर, या जो है वो रेडियल ब्लर। रेडियल ब्लर में क्या होगा, रेडियल की तरह ब्लर हो जाएगा जैसे फोटोशॉप में होता है। मगर हम अगर कुछ करना भी होगा अफेक्ट इमेजेस पे, तो आपको फोटोशॉप ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है जी। इसके बाद फाइंड एजेस, ठीक, ये सब वही है फोटोशॉप में जिस तरह होता था। फोटो फिल्टर, सीपिया टोन, पुरानी बिल्डिंग हो गई। क्रिएटिव के अंदर भी बहुत सारे जैसे मोज़ेक, इसका साइज इंक्रीज कर लें, टाइल बड़े हो जाएंगे, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लें, विनियट इफेक्ट इसमें ले आएंगे तो क्या होगा, ये इस तरह आ जाएगा, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लें। तो जिस तरह का टाइल आप चाह रहे हैं उस तरह का। इसमें भी बहुत सारे हैं जैसे वेट पेंट, स्वेल, ये वहाँ पे ट्विस्ट के नाम से होता है फोटोशॉप में। ब्लॉक्स, शादी क्या कर रही हैं, नॉइज में ऐड नॉइज, रिमूव नॉइज, शार्पन में अनशार्प मास्क, अनशार्प मास्क याद है, अनशार्प मास्क क्या होता है फोटोशॉप में, कम नहीं करते शार्पनेस बढ़ाते हैं। जितनी जब भी हमें आर्किटेक्चर में या किसी और चीज़ों में डिटेल ऐड करनी होती है, मज़ीद शार्प करना होता है, तो हम अनशार्प मास्क यूज़ करते हैं। वीडियो में देखिएगा, टेक्सचर्स हैं, स्टोन टेक्सचर है, प्लास्टिक टेक्सचर है, ये क्या हो जाएगा, श्रिंक रैप जैसे होते हैं ना पैकिंग, वैसी हो जाएगी। इसके बजाय अगर हम इस वाले पर ट्राई करें, बिल्डिंग के साथ ठीक है, लाइट की डायरेक्शन है ये वो, तो ज़रा प्लास्टिक टाइप का लुक आ गया कि इसके ऊपर प्लास्टिक ऊपर रैप हुई भी है, सही है भाई। इसके अलावा इसमें जो है वो ऑप्शन है क्विक ट्रेस का, क्विक ट्रेस क्या करेगा, लाइव ट्रेस कर देगा इसको। ये अच्छा, ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, इसको जो है
अलग और जो आपने काम किया है वो अलग। ठीक। और इसके नंबर ऑफ पॉइंट भी उतने नहीं होते जितने फुट इलस्ट्रेटर बनाता है, होते हैं मगर उससे उतने ज़्यादा नहीं होते। लाइव ट्रेस समझ में आया? क्विक ट्रेस, ये वो करता है कि किसी भी तस्वीर को वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। कल सेमिनार का, आपको तो पता है ना, उसका फाउंडेशन जो था अमन फाउंडेशन का, मिस ने बताया था सबको। एडिट के अंदर क्या होता है? बारकोड। बारकोड क्या चीज़ होती है? यहाँ पे आपने अपना बार कोड का डिजिटल नंबर दिया, नेक्स्ट किया, वो आपसे पूछेगा किस रेजोल्यूशन में आए, नेक्स्ट किया, फॉन्ट दे दिया कौन सा होगा, फिनिश कर दिया, ये आपका बार कोड आ गया। ठीक है। ये क्या होता है पर बैच? ये नहीं होता कि आपने एक दफ़ा डिज़ाइन के ऊपर लगा दिया, है ना? इसलिए कि ये तो जब भी, जैसे अगर मिसाल के तौर पर कोई प्रोडक्ट है, ठीक, जैसे क्या है, मोबाइल है या जो है वो कोई बोतल है, जूस है कोई, अब वो उसमें हर बैच का अलग बार कोड होगा, ठीक है ना? तो ये आप नहीं कर सकते कि आपने पैकेज बनाया पैकेट, और पैकेट के ऊपर आपने लगा दिया, हर दफ़ा उसी में प्रिंट हो रहा है, हर दफ़ा उसी में प्रिंट हो रहा है। ठीक। तो इसके लिए फिर बार कोड प्रिंटर्स होते हैं। बार कोड प्रिंटर क्या होता है कि वो अलग से एक मशीन होती है, वो हर बैच, समझते हैं, मतलब हर एक बैच में 100 या 1000 प्रोडक्ट होनी है, प्रिंट है ना, बननी है, दवाएं हैं मिसाल है। अब वो एक एक टैबलेट, एक पत्ता तो नहीं बनता ना, वो पूरा एक बैच बनता है, 1000 गोलियों का, 1000, 100 पत्ते होंगे मिसाल है, तो वो पूरा एक बैच होगा, उसका एक बार कोड होगा। ठीक है। या ये जितनी क्वांटिटी पे होता होगा उनका उतना, या हर बॉक्स के हिसाब से जितना भी इसकी सेटिंग होती है। तो ये हमारा डिज़ाइनिंग का पार्ट नहीं होता, ये क्या होता है कि वो प्रिंटिंग के हवाले से, मतलब जब प्रिंट हो रहा होता है तो यूज़ करते हैं, मगर इसमें है तो दिखा दिया आप।